वेलकम बैक टू ऑन दिस चैनल वंस अगेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोएम, जिसका हिंदी एक्सप्लेनेशन और जिसके रचनाकार हैं सर हेनरी वाटन। सर हेनरी वाटन ने इस कविता को लिखा है, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में लिखा हुआ है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट That serveth not an other's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. How happy, कितना खुशहाल है, he born or taught, उसका जन्म अथवा उसका शिक्षा या ज्ञान, कितना खुश नसीब है वह व्यक्ति यह उसका जन्म अथवा उसका ज्ञान, दैट सर्वथ नॉट एन अदर्स विल, जो किसी दूसरे की इच्छा का गुलाम नहीं है, किसी दूसरे की इच्छा का दास नहीं है, हूज अरमोर इज हिज ऑनेस्ट थाट, और जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसका रक्षा कवच होते हैं। हूज अरमोर, अरमोर माने होता है रक्षा कवच, हिज ऑनेस्ट थाट माने उसके ईमानदारी पूर्ण विचार, एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सी सच्चाई ही उसका अटमोस्ट माने होता है संपूर्ण, स्किल माने गुण होता है या कुशलता होती है, और साधारण सी सच्चाई ही उसका संपूर्ण कौशल होता है। इसका दूसरा पैसा देखेंगे, लिखा हुआ है हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अंटो द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रेथ। हुज पैशंस, जिसकी भावनाएं नॉट हिज मास्टर्स आर, अपने मालिक की नहीं होती हैं, हूज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा मृत्यु से भी नहीं डरती, अनटाइड अंटू द वर्ल्ड विद केयर, वह संसारिक परवाहों से मुक्त होता है, अनटाइड माने मुक्त होता है, अंटू द वर्ल्ड विद केयर माने सांसारिक बंधनों से, आर प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रेथ, चाहे राजा की कृपा हो या फिर नीच लोगों की आलोचना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही जीवन खुशहाल जीवन होता है, कवि के अनुसार ऐसे ही लोग खुशहाल होते हैं। Who hath his life from remorse freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruin make absorbs great, who hath his life from remorse freed, जो अपना जीवन अफवाहों से मुक्त रखता है, remorse माने अफवाह है, freed माने मुक्त, whose conscience is his strong retreat, और जिसका अंतःकरण, conscience माने होता है अंतःकरण, इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, उसका मजबूत विश्राम स्थल होता है, रिट्रीट माने आराम करने की जगह, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जो चापलूसों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता, ना रून मेक अब्सर्ब्स ग्रेट, और न ही उसकी बर्बादी किसी को महान बनाती है, अर्थात अगर उसका कुछ बुरा भी हो जाता है तो वो अपने को इस तरह से नहीं दिखाता है कि मेरा बुरा हो गया, मेरा नुकसान हो गया, ताकि दूसरे लोग खुश हो सकें, अर्थात उसका नुकसान किसी दूसरे को खुश नहीं कर सकता, वो अपनी परेशानी अपने अंदर ही समेटे रहता है, वो दूसरों को नहीं बताता है। कवि के अनुसार ऐसा ही व्यक्ति एक खुशहाल व्यक्ति होता है।
हु इन वीच नन हुम चांस डथ रेज नार वाइज हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवेन विद द प्रेज नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड हु एन वीज नन होम चांस डथ रज वह उन लोगों से ईर्ष्या नहीं रखता है जो मौका पाकर बड़े आदमी बन गए हैं नार वाइज ना ही उनसे वो जलता है हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवेन विद प्रेज जिसने ये कभी नहीं समझा हाउ डीपेस्ट वुंड्स माने कितने गहरे घाव आर गिवेन माने दिए जाते हैं विद प्रेज माने प्रशंसा करके किसी की तारीफ करके कितने गहरे घाव को दिया जा सकता है इन सब चालाकियों को उसने कभी सीखा ही नहीं ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड वह राजाओं के उन गलत नियमों को नहीं मानता जो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं बट रूल्स ऑफ गुड लेकिन वह भलाई के नियमों का अनुसरण करता है वही व्यक्ति खुशहाल व्यक्ति हो सकता है ऐसा कवि ने इस पैसेज में बताया है चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैसेज हु गॉट डथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड हु गॉट डथ लेट एंड अर्ली प्रे जो ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है मोर ऑफ हिज ग्रेस अत्यधिक कृपा पाने के लिए देन गिफ्ट टू लैंड इस संसार की जो तोहफे हैं उपहार हैं वस्तुएं हैं इन सांसारिक वस्तुओं की चाहत के लिए नहीं वह ईश्वर की प्रार्थना सिर्फ इसलिए करता है कि उसे ईश्वर उस पर कृपा बनाए रखे ना कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए वो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भगवान की प्रार्थना नहीं करता है वो सिर्फ भगवान हम पर कृपा बनाए रखे इसलिए प्रार्थना करता है हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे हु इंटरटेन्स माने जो व्यतीत करता है इंटरटेन्स का मतलब है मनोरंजन के साथ द हार्मलेस डे माने हानि रहित दिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना जो अपना दिन व्यतीत करता है विद अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड्स अच्छी अच्छी पुस्तकों के साथ अथवा फिर एक अच्छे मित्र के साथ वही व्यक्ति इस दुनिया में खुशहाल व्यक्ति है तो अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो किसी काम का हो तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मैं किस तरह का वीडियो बना रहा हूँ आप लिखोगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा ठीक है चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहता हूँ और बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल में इस तरह के लोड भी हैं आगे भी मैं बनाता रहूँगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैसेज दिस माइन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थाउ नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल दिस माइन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऐसा व्यक्ति गुलामी प्रथा के सारे बंधनों से मुक्त होता है सर्वाइल बैंड्स माने होता है दासता की प्रथा ऑफ होप ऑफ राइज आर फियर टू फॉल और ना ही उसे बड़ा होने की चिंता होती है और ना ही उसे नीचे गिरने की चिंता अर्थात न नीचे गिरने का उसे डर होता है फियर टू फॉल माने नीचे गिरना लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थाउ नॉट ऑफ लैंड्स वह स्वयं का स्वामी होता है थाउ नॉट ऑफ लैंड्स यद्यपि वह जमीन का स्वामी नहीं है लैंड्स माने संसार का तो राजा नहीं है वो लेकिन स्वयं का वो राजा होता है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी ही हैथ ऑल माने उसके पास सब कुछ होता है इन गुणों वाला व्यक्ति ही खुशहाल जीवन व्यतीत करता है वीडियो अगर काम का लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद